सो हाय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो आज का टॉपिक है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले सब्जेक्ट में से हम लेने वाले सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में से सम। सो क्वेश्चन है हमारा x प्लस वन बाय एक्स इजिकल टू थ्री और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, सो चलते हैं हमारे सम की तरफ। सो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें थ्री दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, सो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हमें फाइन करना है। ठीक है, सो वो उसे फाइन करने के लिए हम इसे दिए हुए इक्वेशन को हम स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हो जाएगा नाइन और ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी में एक्स और वन बाय एक्स आ गए, लेकिन ये डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल हो गए एक्स एक्स से। सो फाइनल आंसर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, जो कि आंसर आरएचएस में नाइन आएगा। अब ये जो एलएचएस में टू है प्लस उसे मैं आरएचएस में लेके जाऊंगा, सो ये माइनस हो जाएगा। बेसिक बात है दोस्तों, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू नाइन माइनस टू हो जाएगी, जो कि सेवन। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू सेवन, ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर लो दोस्तों, अगर इसमें कोई आपको कमेंट में बताना हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, हमने x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हमें फाइंड करना था। बेसिक टेक्निक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की हमें हमारा आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें दिया हुआ है a माइनस वन बाई ए की वैल्यू p दी हुई है और हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, सो a माइनस वन बाय ए की वैल्यू p दी हुई है, फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर। सो हम चलते हैं हमारे दिए हुए गिवन पार्ट की तरफ। सो मैं इसे स्क्वायर कर दूंगा a माइनस वन बाय ए द होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आरएचएस में p स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मैंने पहले ये वाले सम में किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। सो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, सो ये हो जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बिकॉज a माइनस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होती है। सो प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस टू ए बी हो जाएगा, सो टू इंटू ए इंटू वन बाय ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई और डिवीजन में दोनों ए ए है, सो ये ए ए कैंसिल हो जाएगी, टू ए बी वाले ए, सो ये टू बच जाएगा और यहाँ पे आर एच एस में पी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो एल एच एस में माइनस टू है इसे मैं आर एच एस में लेके जाऊंगा, सो ये पी स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एल एच एस में माइनस है वहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस टू हो गया। सो हमारा फाइनल आंसर ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर प्लस टू। अगर ये सब में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे थर्ड सम की तरफ। हमें दिया हुआ है दोस्तों थर्ड सम में एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू थ्री और हमें फाइंड करना है वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमें दिया हुआ है गिवन पार्ट x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू थ्री, फाइन करना है वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो चलते हमारे गिवन पार्ट की तरफ। सो x माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, थ्री दी हुई है। अब मैं इसे दोनों को डिवाइड कर दूंगा, इंडिविजुअल पार्ट्स में लिखूंगा। सो x बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू थ्री, सो x बाय एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, माइनस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या हो गई थ्री। ठीक है दोस्तों, सो इसे मैंने इंडिविजुअली लिख लिया, ये स्प्लिट अप कर दिया, जो माइनस यहाँ पे न्यूमरेटर में जो x माइनस वन का माइनस था उसे दोनों
पार्ट्स को मैंने इंडिविजुअली रिप्रेजेंट किया, सो एक्स बाय एक्स हो गया, माइनस वन बाय एक्स हो गया, सो फाइनल आंसर फाइनली हमारा इक्वेशन वन माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री आ गया। अब मैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसे मैं वन पुट कर दूंगा और इक्वेशन वन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन वी गेट, सो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन बाय एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सो ये फाइनली वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वन टू माइनस, सुनिए गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स ये वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाय एक्स हो जाएगा जो कि नाइन। सो इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय एक्स हो जाएगा जो कि नाइन आंसर वैल्यू आएगी इसकी। अब दोस्तों वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय एक्स इजिकल टू हमें नाइन वैल्यू मिली है, सो नाइन ये जो माइनस टू बाय एक्स है इसे मैं आरएचएस में ले लूंगा, हम एलएचएस वाले माइनस टू बाय एक्स को मैं आरएचएस में ले लेता हूँ। सो ये हो जाएगा वन अपॉन वन, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू नाइन प्लस टू बाय एक्स, सो ये फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन प्लस टू बाय एक्स, सो नाइन प्लस टू बाय एक्स की वैल्यू है। सो दोस्तों ये जो नाइन प्लस टू बाय एक्स है ये टू एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी होगी। सो सबसे पहले मैं जो दिया हुआ इक्वेशन एक्स माइनस वन बाय एक्स इजिकल टू थ्री उसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, एक्स माइनस वन इजिकल टू थ्री एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों एक्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो ये माइनस वन इजिकल टू थ्री एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, सो ये टू एक्स हो गया माइनस वन, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन बाय टू, सो एक्स इजिकल टू माइनस वन बाय टू हो गया। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, सो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इजिकल टू नाइन प्लस टू अपॉन माइनस वन बाय टू हो गया, सो ये हो गया नाइन माइनस टू इंटू टू अपॉन वन, सो नाइन माइनस टू टू जा फोर जो कि हमारा फाइनल आंसर है फाइव। सो फाइव हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री था, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये हमारा जो ट्रिक था हिंट जो हमें मिल गया था ये इक्वेशन लेना है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजिकल टू थ्री, यहाँ से एक्स माइनस वन एज इट इज ले लिया, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो थ्री एक्स आ गया, सो थ्री एक्स माइनस एक्स मैंने कर दिया।